पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारा है उन 13 करोड़ लोगों का और उनके परिवार का जो लोग सहारा में निवेश कर चुके हैं। सहारा परिवार हिंदुस्तान का वो परिवार है जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा कर्मी था तो वो सहारा था। अभी कुछ ही दिनों पहले सहारा सुब्रत राय इस दुनिया से विदा हो गए। उनके जाने के बाद लोगों के मन में ये बात थी कि क्या सहारा का पैसा लोगों को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उससे पहले ही देश के गृह मंत्री और आप जानते हैं सहकारिता मंत्री के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि 9 महीने के अंदर में हम हिंदुस्तान के हर उस आवाम का पैसा चुका देंगे जिन्होंने सहारा में निवेश किया है। वो 9 महीने गुजर गए, दिसंबर तक भारत के उन तमाम लोगों को वो पैसा मिल जाना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से 2-3 सप्ताह पहले राज्यसभा में एक सांसद साहब ने भारत सरकार से ये सवाल किया था कि बताइए कि आखिर कितना पैसा निवेश में लगा हुआ है। जवाब आया कि 80,000 करोड़ रुपये देने हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो वादा अमित शाह जी ने किया था वो आखिर क्यों लोगों को नहीं मिला। इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जो लोग भी सहारा में निवेश कर चुके हैं, चाहे वो निवेश करने वाले लोग हों या फिर वो एजेंट हों जिन्होंने और लोगों का जो है पैसा सहारा में इन्वेस्ट करवाया था, वो तमाम लोग परेशान हैं। और परेशानी का ये आलम है कि ये लोग कल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच करके इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमित शाह हाय हाय का नारा लगाते हुए ये कहने लगे कि नहीं, उनका ये कहना है कि जो पैसा है वो हमारा है, वो किसी और के बाप का नहीं है, तो फिर वो पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अमित शाह का आप देख रहे हैं और सहारा परिवार की तस्वीर का ये लोगो है। और ये तस्वीर असल में इसलिए साथ में है क्योंकि इन्होंने ये वादा किया था कि हम ये सारा का सारा पैसा जो है देशवासियों को लौटा देंगे। लेकिन जब देशवासी 9 महीने इंतजार करते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलता है, तो वो जंतर मंतर में जा करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें उठा लिया जाता है और उन्हें गाड़ियों में ठूस करके दिल्ली का सफर फ्री में करवाया जाता है। लेकिन क्या इससे उन लोगों का जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि मीडिया में अलग अलग खबरें सामने आ रही है। हम आपको उन खबरों तक ले चलते हैं कि आखिर मीडिया में जो बातें सामने आ रही है वो किस तरह से और क्या कुछ खबरें हैं। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ये जो दो शख्सियत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग जो है वहां पर आंदोलन कर रहे थे। और इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से के, बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे के अलग अलग जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं, चाहे वो बिहार हो, खुद बिहार के मधुबनी जिले से कई जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो खबरों में सुर्खियां हैं कि सहारा के निवेशकों और एजेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों को 9 महीने के अंदर भुगतान करने की गारंटी दी थी, लेकिन ये समय बीतने के बाद भी पैसा नहीं मिला है। और अब जो है लोगों में इस चीज का गुस्सा था और इसी गुस्से की वजह से ये लोग नई दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को ये 2 दिवस समझ लीजिए कि एक तरह से ये धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें निवेशक और एजेंट दोनों ही पहुंचे हुए थे, जमा अपने पैसों को मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल निवेशकों का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 9 महीने का वादा किया था, मजबूरन लोगों को फिर से जंतर मंतर पर आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो 9 महीने का वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन इन्हें पैसा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश से जंतर मंतर पर पहुंचे संसार सिंह ने बताया कि सहकारिता मंत्री अमित शाह और देश की मोदी सरकार ने लोगों से वादा किया था जो हमारा पैसा डूबा है उसे वो दिलाएंगे। केंद्र सरकार ने भुगतान देने की गारंटी दी थी, लेकिन आज तक निवेशकों को पैसा नहीं वापस मिला। वहीं पूर्व दिनों में करीब 4 से 5 सांसदों ने इस सवाल को प्रमुख रूप से देश के संसद में भी उठाया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। प्रदर्शन में शामिल हुए निवेशकों ने बताया कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया था।
सरकार का दावा था कि एक बार अगर सफल रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके 45 दिन के भीतर सहारा निवेशकों को उनका पैसा लौटा दिया जाएगा, परंतु इसके एवरेज में निवेशकों को संदेश भेजे गए जैसे कि निवेशक का डाटा सीमित डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को 45 दिनों में ही पैसा मिलना था रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को एक पाई भी नहीं मिला है। जबकि अगर मैं आपको इससे रिलेटेड जो खबरें सामने आई है और जो अन्य जगह पर जो कुछ खबरें हैं अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो आपको इस पूरे मामले का जो है एक अलग निचोड़ मिलेगा कि आखिर किस तरह से। आप देख सकते हैं कि ओवर 3 करोड़ इंडियंस, ये एक हफ्ता पहले की खबर है, सिर्फ एक हफ्ता पहले ओवर 3 करोड़ इंडियन सीक्स 80,000 करोड़ रिफंड फ्रॉम सहारा गवर्नमेंट इन राज्यसभा। तो ये 80,000 करोड़ रुपया जो है ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि आप जानते हैं कि जो सहारा सुब्रत राय थे उनका जो अलग अलग उनके पास जो कहा जा सकता है उनके फ्लैट्स थे, उनका जो बिल्डिंग था, उनके अपार्टमेंट्स थे और तमाम चीज़ों को जब सीज कर लिया गया, उनके तमाम फंड को जब सीज कर लिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ, तो फिर उसका जो रिकवरी हुआ उसके बदले में इन लोगों का जो 80,000 करोड़ है वो क्यों नहीं दिया गया। अगला खबर देख सकते हैं, 5 लाख सहारा इन्वेस्टर टू स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इन दिल्ली दिसंबर। तो दिसंबर में ये प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन वहां क्या हुआ कि लोगों को बस में ठूस ठूस करके ये लोग जो हैं वो ले करके चले गए। अब देखिए, शाह कमिटेड टू इंश्योर रिटर्न ऑफ एवरी पाई टू सहारा इन्वेस्टर्स, वर्मा जी का ये कहना था। और जो आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि 9 महीने में पूरे देशवासियों को, लगभग 13 करोड़ लोगों ने निवेश किया था, उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। 25,000 करोड़ रिफंड फॉर सहारा इन्वेस्टर्स, बट वेयर आर द इन्वेस्टर्स। ये देख लीजिए कि 25,000 करोड़ रिफंड फॉर सहारा इन्वेस्टर्स, बट वेयर आर द इन्वेस्टर्स। तो इन तरह के सवालात जो हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि भारत के अलग अलग कोने से जो है लोग देश की राजधानी जंतर मंतर में पहुंचे थे, जिसमें अगर बात की जाए सिर्फ मधुबनी जिला के तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुबनी से जो है वो आपको मैं बताऊं कि अभय देव जी, क्योंकि इन लोगों ने मैसेज करके बाजाबता इसके बारे में डिटेल भेजा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जो है इसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है। कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं जिसे हम आपको वीडियो के आगे में जो है वो लगा देंगे ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से ये लोग जो हैं अपनी डिमांड कर रहे हैं। इसमें जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी वो मौजूद हैं, उसके बाद मोहित कुमार है, नीरज शर्मा है, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजिता मिश्रा है, केशव कुमार हैं, सोनेलाल जी हैं, दयाकांत झा है, उसके बाद अमित कुमार झा, राजकुमार पूर्वे, राकेश सिंह के अलावा बहुत सारे लोग जो है वहां शामिल हुए हैं। इनमें कुछ लोगों की ये शिकायत है, जैसा कि वीडियो में आगे आप देखेंगे, उनका ये कहना है कि इस तरह के निवेश होने जिन लोगों ने भी निवेश किया था, आज जब रिफंड लेने की बात आ रही है, आज जब सरकार से सवाल पूछने का वक्त आया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, वो सरकार से सवाल पूछने में पीछे हटे हुए हैं। क्या वजह है कि देश के इतने सारे लोग, अगर 13 करोड़ लोग अगर इसमें शामिल हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उसका 5% आदमी भी अगर दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच जाए तो सरकार की नींव हिल जाएगी और ये जो 9 महीने का जो वक्त दिया गया था वो अगले एक दिन में उस पर फैसला आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए वे लोग भी जिम्मेदार हैं जो लगातार सत्ताधारियों को सत्ता तो दे रहे हैं लेकिन उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम आपको आगे वीडियो जो है जो दिल्ली से हमारे पास सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि उस वीडियो में वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो हम लोग के साथ में जो परिस्थिति घटना घटी है, हम लोग जो है अभी जो दिल्ली पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं, आज के डेट में अगर हमारे सम्मानित कार्यकर्ता जयनगर परिक्षेत्र से बिहार से आए हुए जो भी आदमी है अगर साथ देता, दिल से साथ देता, तो आज हम लोग लड़ाई सुनिश्चित जीत लेते। लेकिन आज ऐसे अधिकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंदर से भावना उत्पन्न होता है, ऐसे सीनियर को
जिन्होंने निवेश करवाया जमाकर्ता का, आज वह जमाकर्ता से दूर भाग करके अपना रोजी रोटी के तलाश में जो है लगे हुए हैं, अपनी बच्चे की तलाश में लगे हुए हैं। 4,000 आज मेरा भाई बहन बंधु कार्यकर्ता जो है दम तोड़ दिया, उनकी ख्याल नहीं है। लेकिन मैं ऐसे जमाकर्ता कार्यकर्ता से आवेदन करना चाहता हूं, जनप्रति को घेराव करे और एमएलए एमपी को जूता का माला पहनावे और हम लोग को कम से कम साथ दे। अभी तक के डेट में जब से हम लोग 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पोर्टल पे अभी तक जो है ऑनलाइन नहीं किए हैं। इसीलिए ये वीडियो अभी प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, उस बस का है जिसमें दिल्ली प्रशासन के द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। बस नंबर बता दी और दिल्ली में हम लोगों को घुमाया जा रहा है। अभी 1 घंटे से 5 बजे से हम लोगों को गिरफ्तार करके दिल्ली में घुमाया जा रहा है, पता नहीं कहां ले जाया जा रहा है हम लोगों को। अब ये तो समय बताएगा कि हम लोगों को कहां ले जाया जाएगा प्रशासन के द्वारा, लेकिन हमें हमारा भुगतान चाहिए। मेरे कार्यकर्ता बंधु जहां है वहीं पर जाम करे, वहीं पर रोड जाम करे, चक्का जाम करे, बस जाम करे। पूरे जिला और पूरे देश से निवेदन है पूरा इस वीडियो को देखकर सजग हो जाए। बसा हमारा आपका, बसा हमारा आपका, बसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, बसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वापस आओ, वापस करो सारे निवेशकों को। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर से निकले, हम लोग अपने गिरफ्तारी के लिए सारे दिल्ली के सारे हम लोग जा रहे हैं। और मैं सारे निवेशकों से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि वो मैदान में आकर के अपनी लड़ाई को तीव्र करें और उग्र करें। हम लोग आपके लिए, आपके पैसे के लिए गिरफ्तार हो गए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग फिरने के काम करें, हमारे जवान सिंह सारे लोग। मैं लाल बाबू यादव सीतामढ़ी से आपको जय नगर निर्मली मधुबनी के समस्त कार्यकर्ता और वहाँ के जमाकर्ता को न्योता देता हूँ कि आज 2,000 कार्यकर्ता हम लोग जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। हम लोग आप लोग नहीं आए और जो लोग नहीं आए अपने जनप्रतिनिधि को घेरिए, एमपी एमएलए को घेरिए, जूता का माला पहनाइए, तब जाके लोकसभा में और विधानसभा में उठाए। देखिए इन लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। अभी हम लोग बस में सफर कर रहे हैं और हम लोगों को बस में घुमाकर लाया जा रहा है पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में ले जा रहा है। हम लोग निवेशक के लिए दुर्गा लड़ाई लड़ने आए थे आज जंतर मंतर पर, जहां पे से दिल्ली पुलिस के द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक 1 घंटे से बस में पूरे दिल्ली में घुमाया जा रहा है हम लोगों को। हम लोग भूखे प्यास से घूम रहे हैं पूरे दिल्ली में। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी का बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी का बाप का। हमारा पैसा वापस हो, वापस हो, हमारा पैसा वापस हो, वापस हो, वापस हो।